सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कितना फिर वधिया सारे। तो आज फिलहाल मैं आ चुका हूँ निर्वाणा 4x4 में, और आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ एक जिप्सी जो कि पुलिस ऑक्शन की जिप्सी थी, और उसे जो है पूरा यहाँ पे तैयार किया है। काफ़ी ज़्यादा समय लगा है उसे तैयार करने में, बट जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर निकल के आया है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। तो चलिए जल्दी से आपको अंदर दिखाता हूँ कि क्या कुछ उसका प्रोसीजर रहा, एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होता है हर एक चीज़ प्रॉपर बताऊँगा। एंड अगर आप कोई भी जो है पठानकोट से या कहीं से भी आप जो है जिप्सी लेते हैं, चाहे वो पुलिस ऑक्शन की हो या आर्मी ऑक्शन की हो, तो आप उसे जो है किस टाइप से बनवा सकते हैं। एंड एक आपको इस टाइप का भी यहाँ पे मॉड देखने को मिल जाएगा अगर आप सोच रहे हैं कुछ इस टाइप की जिप्सी बनाने को। तो चलिए बाकी करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको जो है दिखाते हैं जल्दी से जिप्सी। आयो तो गाइज, अभी आपको जो है यहाँ पे आपके सामने जो है जिप्सी देखने को मिल जाएगी, जो कि फिलहाल यहाँ पे रैली कैबिन में तैयार हुई है। तो एक बार आपको साइड लुक इसका चेकआउट करवा देता हूँ कि साइड से क्या इसकी एक्चुअल में लुक यहाँ पे आने वाली है। तो अगर आप साइड से चेकआउट करोगे तो सबसे पहले आपको ये पूरा यहाँ पे रैली कैबिन लुक देखने को मिल जाएगा। एंड अगर एक चीज की बात करूँ कि ये मॉडल कौन सा है, तो ये 2005 मॉडल है पुलिस ऑक्शन जिप्सी का, जिसे जो है रैली कैबिन में यहाँ पे तैयार किया है। बाकी कलर स्कीम आप पूरी इसकी चेकआउट कर सकते हो, कितनी ज्यादा बेहतरीन है। एंड क्या क्या चीजें इसमें जो है लगाई गई है, क्या क्या मॉड्स हुए हैं, क्या क्या कस्टमाइजेशन हुई है, हर एक चीज आपको जो है आज डिटेल में बताएंगे। एंड अगर आप ऐसी जिप्सी तैयार करवाना चाहते हो कोई आर्मी स्टॉक की लेके या पुलिस ऑक्शन की लेके, तो कितना खर्चा आ जाएगा, तो वो सब आपको जो है प्रॉपर आज इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं फ्रंट। तो फ्रंट में अगर सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बम्पर ही देखने को मिल जाएगा, जो कि फुल मेटालिक बम्पर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे आगे की ओर आपको बोल बार्स प्रॉपर देखने को मिल जाती है। देन यहाँ पे शैकल आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आपके ऑफ रोडिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। बस उसके बाद जो यहाँ पे जो ब्लू कलर यहाँ पे हुआ है इस जिप्सी पे, वो बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा है एंड काफी अच्छी प्रेजेंस बना रहा है एक जिप्सी की। अब नेक्स्ट जो मेन चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि जो ग्रिल्स हैं वो ओरिजिनल यहाँ पे रखी हैं, स्टॉक जैसी आती है। और उसके बाद आपको जो हेडलाइट्स हैं वो भी स्टॉक इसकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसकी स्टॉक हेडलाइट्स और ग्रिल भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। और जो मेन अट्रैक्शन है इस जिप्सी की वो रह जाती है यहाँ पे टायर्स। तो टायर्स इसके जो है यहाँ पे आपको गुडरिच के टायर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनकी प्रोफाइल रहती है 215/75 R15। तो मतलब कि ऑफ रोड में अभी तक के सबसे बेस्ट टायर्स यहाँ पे ये माने जाते हैं। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे लगाए गए हैं नेगेटिव रिम्स, या आप जिसे स्टील रिम्स कह लीजिए। तो ये अगेन ऑफ रोडिंग में ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। एंड सबसे बेस्ट थिंग इस टायर्स की जो इसका आप यहाँ पे ट्रेंड इसका चेकआउट करोगे तो वो बहुत ही ज्यादा आपको बढ़िया यहाँ पे मिल जाता है। तो गाड़ी जो है आसानी से कहीं पे भी फंसने नहीं वाली है। एंड अब नेक्स्ट हम थिंग की बात करें तो यहाँ पे स्नॉर्कल भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये भी अगेन लोडिंग पर्पज के हिसाब से काफी ज्यादा यूजफुल है। एंड लुक भी आप चेकआउट कर सकते हो कि कितनी ज्यादा बेहतरीन होगी एक स्नॉर्कल लगाने की वजह से। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम हर एक चीज अच्छे से और कैसे हो तो भाई ये फिलहाल ये यहाँ पे आरडी भाई हमें मिल चुके हैं। तो यही फिलहाल जो है जलंधर गए हुए थे भाई साहब के साथ, जिनकी ये जिप्सी यहाँ पे तैयार होनी थी, और पूरा काम फाइनली आज जो है यहाँ पे डन करवा के आ गए हैं। तो एट द एंड हम इनसे भी बात करेंगे, हर एक चीज जानेंगे अच्छे से, क्योंकि जो ये जिप्सी है ना पुलिस ऑक्शन वाली, यही बंदा है जिसने बेची है, ही इज द सेलर एंड बायर भी यहीं पे है। तो पूरा आपको अच्छे से हर एक चीज बताएंगे, ठीक है। तो अब आ जाए हम यहाँ पे अगर साइड प्रोफाइल की ओर, तो साइड प्रोफाइल में भी यहाँ पे काफी सारे मॉड्स हुए हैं, तो वो भी आपको एक बार क्लोजली चेकआउट करवा देते हैं। सो गाइस, अब नेक्स्ट थिंग की बात करें तो साइड में यहाँ पे फुटरेस्ट भी इंस्टॉल किए गए हैं। वैसे एज से जिप्सी में जरूरत होती नहीं है, बट फिर भी लुक वाइज और अपने एक जो है आप कह लीजिए कि टेस्ट वाइज जो है अगेन काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे अगर साइड में आपको इंटीरियर में भी थोड़ा बहुत मैं आपको चेकआउट करवाऊँ, तो रैली कैबिन अगर इस जिप्सी को यहाँ पे तैयार किया हुआ है तो अंदर की सीट्स वगैरह भी सब वैसी होनी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंटेन रखी हुई है। सबसे पहले इंटीरियर में आपको यहाँ पे पूरा जो है कितना प्यारा बर्फी डिज़ाइन में गत्ते का वर्क देखने को मिलेगा डोर पे, जो कि अगेन बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड इस साइड पे अगर हम आ जाएं तो सीट्स इसकी आप चेकआउट कर सकते हो, तो फुल आपको रैली कैबिन में यहाँ पे जो है सीट्स वगैरह देखने को मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं।
तो ये आप प्रॉपर सीट्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो। बाकी फ्रंट अगर डैशबोर्ड की बात करें तो बिल्कुल स्टॉक डैशबोर्ड इसका रखा हुआ है जैसा ओरिजिनल जिप्सी में आता है। तो ये अंदर आपको जो है पायनियर का सिस्टम वगैरह देखने को मिल जाएगा एंड पीछे यहाँ पे स्पीकर्स और बूफर वगैरह भी देखने को मिलेंगे। काफ़ी हैवी सिस्टम इन्होंने रखाया हुआ है एंड ऊपर की ओर यहाँ पे अगेन पूरा बर्फी डिज़ाइन में आपको ये पूरा मैट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो पीछे की ओर ये कुछ यहाँ पे शीशा बनाया हुआ है बैक देखने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा इंटीरियर दिया हुआ है एंड ये फुल आपको रेसिंग सीट्स यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। सेंटर में आर्मरेस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है जो कि अगेन आपको ड्यूल यहाँ पे डिज़ाइन में मिल जाता है, तो काफ़ी बढ़िया है ये भी। बाकी ये कुछ आ जाते हैं इसके नॉर्मल गियर्स एंड 4x4 का गियर। तो आई होप कि आप लोगों को इंटीरियर पसंद आया हो। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप अपनी जिप्सी में जो है ऐसा इंटीरियर बनवाना चाहते हैं तो आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे कि टोटल ओवरऑल इसमें कितना खर्चा आया है एंड नीचे की ओर फुल फ्लोरिंग भी आप चेकआउट कर सकते हो, सेम इसी डिज़ाइन में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको नार्डो ग्रे कलर में रैप भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो ये भी जो है ब्लू कलर के साथ काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये वाला डिजाइन भी आप चूज कर सकते हैं अगर आप करवाना चाहते हैं अपनी जिप्सी में, तो ड्यूल टोन डिजाइन भी काफी ज्यादा प्यारा लगता है कलर पैटर्न का खासकर। अब वहीं पे आ गए हम बैक साइड की ओर, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है ये साइड में फेंडर्स कुछ इस टाइप के यहाँ देखने को मिल जाएंगे इसके, अगेन काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। एंड जो सबसे मेन चीज़ है कि ये आपको जो पूरा यहाँ पे बैक स्टैंड दिया हुआ है ये बिल्कुल आपको इसुज़ु जैसा ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो भाई की अपनी पर्सनल चॉइस थी कि इसी टाइप का उन्हें बनवाना है, तो बाकी आप आरडी भाई की वीडियो में चेक कर सकते हो, वहाँ पे इन्होंने प्रॉपर बताया हुआ है कि कैसे जो है इसका फ्रेमिंग वगैरह की थी गोयल मोटर्स वालों ने। तो बहुत जल्द वहाँ पे भी जलंधर में जाएंगे और आपको एक से एक जिप्सी दिखाएंगे कि कैसी वहाँ पे जिप्सी तैयार होती है, क्योंकि पठानकोट से जो भी जिप्सी लेता है तो कहाँ से उसे तैयार करवानी है आगे, तो उसके बारे में भी आप लोगों को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक ही गो में आप जो है हर एक चीज़ पंजाब से ही तैयार करवा के अपने लिए ले जाओ। तो ये आप चेक कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये भी लगाया हुआ है एंड बहुत ही प्यारी लुक हो गई है इसकी वजह से। एंड पीछे प्रॉपर यहाँ पे आपको जो है जाली पैटर्न यहाँ देखने को मिल जाएगा। बाकी बैक साइड की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी किसी टाइप की एक कोटिंग यहाँ पे दी गई है, अगेन काफ़ी अच्छी है, मतलब स्क्रैच रेसिस्टेंट आप कोटिंग इसे कह सकते हैं एक वे में। बाकी बैक में यहाँ पे बात करें तो आपको जो है अगेन बम्पर यहाँ पे जो है मेटल में यहाँ देखने को मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। जिप्सी में अगर आप जो है मेटल बम्पर या किसी भी ऑफ रोड गाड़ी में आप मेटल बम्पर या लगवा लेते हैं तो थोड़ी बहुत उससे जो है लाइफ जो है गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब वैसे भी मिट्टी वगैरह वाले इलाके या पत्थर वाले इलाके में जाना होता है ऑफ रोड करने के लिए, तो उससे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन एक मिल जाती है बम्पर्स को। अब नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे एक जो है रियर टायर हैंगिंग के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म यहाँ पे बनाया हुआ है जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रहा है एंड आपको इसको क्लोजली एक बार चेकआउट करवाता हूँ कि ये डिफरेंट क्या है इसमें। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे खोलता हूँ तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक मैकेनिज्म देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आपके ये जो बैक डोर है इस पर कोई भी वेट नहीं आएगा, तो जो पूरा वेट है वो यही दोनों चीज़ें यहाँ पे संभाल लेंगी। एंड ये जो रॉड है जैसे ही आप इसे खोलते हैं तो ये बिल्कुल यहाँ से इसके नीचे आ जाती है एंड जैसे ही आप आगे करेंगे तो ये प्रॉपर जो है अपनी लोकेशन में वापस आ जाएगी, तो ये बिल्कुल लाइट वेट रहेगा आपका, ये अलग ही चल रही है, ये बम्पर पर पूरा वेट इसका सहन हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को। तो ओवरऑल अगर मैं एक्सटीरियर वाइज कहूँ तो ये सब मॉडिफिकेशन हुई थी, बाकी सस्पेंशन और इंजन रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं वो हम जो है इनके ओनर से एक बार जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पे इन्होंने अपग्रेड किया हो के पास। तो गाइज अभी फिलहाल जो है जिप्सी का पूरा एक्सटीरियर वाइज मैंने आपको बता दिया है, बाकी सस्पेंशन और इंजन में क्या कुछ यहाँ पे चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं तो उसके बारे में आपको आरडी भाई बताएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही जलंधर में थे जो इसको तैयार करवा रहे थे। तो आरडी भाई क्या क्या यहाँ पे जो है सस्पेंशन और इसके इंजन वगैरह में काम हुए? तो सबसे पहले तो इसमें डॉक्टर मैनो के जो है लीफ स्प्रिंग लगे हुए हैं जो सिंगल आते हैं वो, और उसके साथ आपको इसमें शॉकर्स लगे हुए हैं। तो यार मैं ये सबको रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई लीफ स्प्रिंग लगवा रहा है तो उसके साथ फुल जो सिस्टम लगाए शॉकर्स भी उसी के लगवाए सिस्टम के, मतलब मतलब बहुत कंफर्ट हो जाता। अब हम बलिनो भी चला रहे थे और ये भी चला रहे थे, बलिनो लेके गए थे तो हमें ना 19-20 का फर्क पता चल रहा था कि यहाँ भी बहुत ज्यादा कंफर्ट होगी। और जब मैं फर्स्ट टाइम इसको राइड पे लेके गया तो जहाँ पे भी खड्डा आ रहा था उस टाइम उधर मेरे को डर लग रहा था कि अभी उछ लूंगा, बट बिल्कुल भी फर्क नहीं पता चल रहा था, तो बहुत कंफर्ट हो गया। अगर बात करें तो जिप्सी में शॉकर्स आते हैं
हेलो शॉकर्स आते हैं, एक शॉकर देते हैं वो साथ में पट्टे होते हैं, कमानी होती है राइट। तो कमानियों के जितने पीस बढ़ाते रहोगे उतनी गाड़ी लिफ्ट होती रहेगी, पर जितना ज्यादा कमानियां लगाओगे उतनी ज्यादा आपको कंफर्ट खत्म हो जाएगी। ओके ओके, तो मतलब इसमें जो है यहाँ पे सिंगल ही एक कमानिया पट्टा आप चेकआउट करवा सकते हो। तो आपको क्लोजली यहाँ पे चेक करवा देते हैं, तो ये आप नीचे यहाँ चेक कर सकते हो, येलो कलर का आपको जो है पट्टा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सिंगल ही इसमें लगाया हुआ है, तो इसकी वजह से जो है कंफर्ट काफी अच्छा हो गया। बाकी कैसा कंफर्ट है वो तो आपने आरडीवाई के मुंह से सुन ही लिया। एंड इंजन वाइज को इसमें कुछ हुआ है चेंज वगैरह? इंजन वाइज वैसे तो कुछ इतना चेंजेस नहीं हुआ है, बट थोड़ी छोटी मोटी जैसे स्नॉर्कल लग गया उसे परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ जाती है। okay. उसके इरिडियम स्पार्क प्लग लग रहे हैं इसमें, उससे भी परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ जाती है, और परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगवा रहे हैं निर्वाणा 4x4 से, तो उससे भी थोड़ी हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है और आवाज वाला सिस्टम सही हो जाता है। तो मतलब ये जो एग्जॉस्ट लगेगा इसलिए नॉर्मल से किस वे में डिफरेंट रहता है, कुछ इसके अंदर अलग कुछ? एक्चुअली इसमें कैटलिस्ट वगैरह नहीं होते, जो आपकी गाड़ी के जो हार्मफुल गैसेस हैं वो बाहर एनवायरनमेंट में थोड़े स्ट्रेट फ्री फ्लो होता है, उससे क्या होता है कि आपकी पिकअप कुछ थोड़ा गाड़ी को ज्यादा मतलब स्ट्रेट पाइप एग्जॉस्ट स्ट्रेट पाइप है, हां बिल्कुल हॉलो होता है, आवाज भी पड़ती है और अच्छा हो जाता है, हेडर से चेंज होता है। ठीक है ठीक है, तो ये सब अगर आपने दिखाना तो आप दिखा सकते हो। हाँ एक बार चेकआउट करवा देते हैं आपको, पहले सबसे पहले एग्जॉस्ट ही चेक करवाते हैं। तो ये प्रॉपर यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इस टाइप का यहाँ पे एग्जॉस्ट यहाँ पे लगा हुआ है। बाकी इंजन की कंडीशन भी आपको प्रॉपर यहाँ पे चेक करवा देते हैं कि कैसा आपको यहाँ पे इंजन मिल जाएगा। तो गाइस ये फिलहाल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये 1.3 वाला इंजन है, तो ये 1.3 ओरिजिनल जिप्सी का इंजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंडीशन वाइज की अगर और आप यहाँ पे देख सकते हो स्नॉर्कल जो है वर्किंग है। okay. स्नॉर्कल का जो पाइप है वो इधर फिल्टर के साथ आगे यहाँ से आता है, तो यहाँ से एयर इनटेक होती है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट से सीधा लाइक एयर होती है, अगर ये इधर ही रहे ना इनटेक वाला सिस्टम तो right. एयर जो ज्यादा नहीं मिलती गाड़ी को। ठीक है, इसके गाड़ी में थोड़ी परफॉर्मेंस का सही हो जाता है। ओके ओके, तो बाकी ये प्रॉपर आप इंजन की कंडीशन चेकआउट कर सकते हो, और जो हेडर के साथ में तो वहाँ का सेंसर लगा हुआ है, ये जिप्सी के लिए ही आता है। ओके ये वाला, इसमें आप सेंसर भी देख सकते हो, जो सेंसर O2 सेंसर जो आता है अपना प्रॉपर, आवाज ही चेकआउट करवाते हैं। तो एक बार जो है आपको स्टार्ट करके भी यहाँ पे चेकआउट करवाते हैं कि आवाज़ इसकी कैसी मिलने वाली है, और फिर उसके बाद जो है प्रॉपर जानेंगे कि ओवरऑल कितना खर्चा इसमें अभी तक आ चुका है हर एक को, इसको पुलिस ऑक्शन से लेके इस फॉर्म में लाने तक का। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे इंजन की आवाज़ सुन लो कि कितनी ज़्यादा प्यारी आवाज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो अब चलते हैं साइलेंसर वाली साइड पे, तो गाइज ये आप सुन सकते हो कि जो यहाँ पे आपको स्ट्रेट पाइप एग्जॉस्ट मिल जाता है उसकी आवाज़ कैसी यहाँ पे रहेगी। तो बहुत ही प्यारी आवाज़ यहाँ पे आपको जो है जिप्सी में मिल जाती है, एंड जब ऑन रोड इसकी परफॉर्मेंस आएगी तो वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ही रहने वाली है। बाकी अब आपको मैंने जो है इंटीरियर और एक्सटीरियर वाइज पूरा जिप्सी के बारे में अच्छे से बता दिया है। अब मेन बात आती है कि पुलिस ऑक्शन में जिप्सी कितने की पड़ी थी, फिर उसके बाद तैयार करवाने में कितना पुलिस ऑक्शन में कितने की पड़ी थी और तैयार करवाने में कितना खर्चा आ गया, तो वो हर एक चीज़ भी जान लेते हैं। तो अब गाइज आप लोगों को बता देते हैं कि लाइक कि पुलिस ऑक्शन से जब खरीदी थी तब जिप्सी कितने की थी और अभी तक इसमें कितना खर्चा हो चुका है, एंड टाइम कितना लगा है वो हर एक चीज़ के बारे में आपको बता। तो मतलब जब पुलिस ऑक्शन से जिप्सी ली थी तब ये कितने की पड़ी थी आपको? ये एक्चुअली मेरे नोन में ही थे एक वाड़िए, तो उन्होंने 40,000 की गाड़ी ली थी। okay. और उनसे मैंने 55 की उठाई थी। तो मतलब 55 में आपको ये जिप्सी मिल गई। डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके? आरसी थी, लाइफ थी उस टाइम पे 4 महीने की लाइफ थी। okay. बट उसके बाद क्या था कि गवर्नमेंट ने आरसी एक्सटेंड करना बंद कर दिया था। ओके okay. तो एक साल बाद जो है आरसी का सिस्टम हुआ, बट अभी लाइफ इसकी है, अभी है 26 तक। ठीक है, तो ये काफी अच्छी बात है। बाकी अब जो ये यहाँ पे ये तैयार हुई है तो इसको कितना ऊपर लग गया होगा खर्चा टोटल? उसको इसको एक्चुअली समझ लो 6-7 लाख के, 6-7 लाख के आसपास। तो मतलब 6-7 लाख में आपकी जो है एक ऐसी जिप्सी यहाँ पे तैयार हो जाएगी? नहीं, आपकी थोड़ी सस्ती हो जाएगी, एक्चुअली हमारा भी सीन हो गया था। ओके okay, मतलब कि ऑन एन एवरेज अगर कॉस्ट की बात करें तो 5-6 लाख तो मिनिमम लगेगा। वैसे जिप्सीज आज की रेट में आपको जिप्सीज भी काफी महंगी मिलती है, लाइक की 2-3 लाख होंगी। राइट, जैसे जिप्सीज आजकल 2-3 लाख की मिल रही हैं, तो उसकी वजह से आप लगा लोगी मॉडिफिकेशन कॉस्ट इसका नियर अबाउट 5 लाख का तो होगा ही। हाँ।
तो 5 लाख का जब मॉडिफिकेशन कॉस्ट लग रहा है तो जिप्सी का मिला के 7 से 8 लाख के करीब आपको एक ऐसी जिप्सी यहाँ पे तैयार होगी जिसमें ऐसे मॉड्स हुए होंगे। तो ये अगर कोई चाहता है ऐसी जिप्सी तैयार करवाना तो बाकी आप करवा ही सकते हैं। एंड कहाँ से करवानी है, अगर आप पंजाब से ही करवाते हैं ऐसी जिप्सी तैयार तो फिर तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब एक ही जगह पे सारे काम हो जाएंगे। बाकी जिसको अगर कहीं और से करवानी हो तो वो भी, उसके भी ऑप्शंस हैं, आप ढूंढ सकते हैं। एंड गाइज वन मोर थिंग कि यार बहुत जल्द मैं जलंधर जाने वाला हूँ जहाँ पे मतलब ऐसी जिप्सीज तैयार होती हैं प्रॉपर बेस से लेके टॉप तक, जो इसे पूरा तैयार करते हैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। तो वहाँ पे आपको प्रॉपर हर एक जिप्सी के बारे में बताऊंगा एंड किस किस वे में आप जिप्सी तैयार करवा सकते हो एंड किस हिसाब का अगर आपका बजट रहेगा तो उसमें कैसी जिप्सी तैयार होती है, तो हर एक चीज़ आपको प्रॉपर वहाँ पे पता चलेगी। जल्दी जाने वाला हूँ, मतलब नियर अबाउट आने वाले 2-3 दिन के अंदर मैं वहाँ जाऊँगा एंड हर एक चीज़ आपको प्रॉपर बताऊँगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको जिप्सी या जिप्सी के रिलेटेड कंटेंट ऐसा देखना है या कोई भी आर्मी स्टॉक के रिलेटेड कंटेंट देखना है या मॉडिफिकेशन के रिलेटेड, तो आपको प्रॉपर उसमें पता चलता जाएगा। एंड ये थी आज की अपनी कंप्लीट जिप्सी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कैसी है, क्या प्राइसिंग पड़ी है एंड कितने में तैयार हुई है एंड क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हैं हर एक चीज़ के बारे में। आई होप कि आप लोग को जो है वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। जैसे कि लोगों को पता है कि जिप्सीज जो हैं कंफर्टेबल ही रहती हैं गाड़ियाँ, ठीक है। मैं भी जब ये गाड़ी चलाने से पहले मेरे भी माइंड में था कि यार जिप्सी जो वही बंदा ले जिसने इसमें ऑफ रोड करनी है लाइक, है ना। तो मैं वहाँ पे जिधर गया वहाँ पे जितनी भी मॉडिफिकेशन हुई थी तो वो सब चीज़ें देख के यार मुझे लगता है कि नहीं यार ये गाड़ी भी हम कुछ भी करवा सकते हैं। तो ये गाड़ी इतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल है ना, लाइक हम बलिनो में गए थे तो हमें बिल्कुल भी 19-20 का फर्क, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो कम्फर्टेबल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं गाड़ियाँ। आप अगर बनाना चाहो, आप में अगर होगा कि हाँ भी आपने अपनी गाड़ी जिप्सी, अगर कोई जिप्सी का शौकीन होगा ना तो कम्फर्टेबल आपने बनाना होगा तो बन जाती हैं गाड़ियाँ, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, चलाने में भी काफी ज्यादा मजा आता है इसमें। हाँ, एसी और पावर स्टीयरिंग हमने नहीं लगवाया जस्ट बिकॉज कि यार ये भाई साहब जिधर रहते हैं, जिनकी गाड़ी है जिधर वो रहते हैं करगिल में रहते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है तो इसलिए उन्होंने नहीं लगाया। और साथ में पावर स्टीयरिंग का ये सीन था कि ये कह रहे थे कि यार फिर जिप्सी का अपना मजा नहीं रहेगा तो हमने तभी नहीं लगवाया, वो फिर नॉर्मल गाड़ी की तरह ही हो जाएगी आपकी तो जिप्सी वाला फील रहेगा नहीं। हाँ, वो हमने तभी नहीं लगवाया। तो बाकी तो अपनी अपनी चॉइस, ये नहीं बोल रहे कि ऐसी मॉडिफाई कराओ, बट मॉडिफिकेशन से पहले आप उसमें कंफर्ट देख लो कि यार कंफर्टेबल जो, और साथ में कंफर्ट और साथ में नीचे वाला जितने भी उसका डिफरेंशियल वगैरह का वो वाला काम मेन पहले कराओ। फैब्रिकेशन का काम तो बाद में भी होता रहता है, तो मेन जो उसका चलने लायक उसको बनाओ वो बढ़िया से। चलो बाकी आपको तो हर एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई कर ही दी है, तो अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे जो है कॉमेंट्स में पूछ सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको जो है क्लैरिफाई हो जाए। बाकी मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट डायरेक्टली मॉडिफिकेशन की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहो चैनल पे एंड सब्सक्राइब कर लीजिए